चलिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर है आपकी आयल्स की स्पीकिंग का जो है एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या है, और अभी मेरे साथ मेरे दो बहुत ही होनहार और डिलीजेंट स्टूडेंट जुड़े हैं, रितु और यश। तो चलिए रितु और यश शुरू करते हैं। आयल्स की जो आपकी स्पीकिंग है उसमें सबसे पहले आपसे जाते ही पार्ट वन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपके बारे में, आपका होम, आप पढ़ रहे हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, और उसके साथ साथ आपसे कोई एक टॉपिक या दो टॉपिक पर भी बात करी जाती है। जैसे अभी स्क्रीन पर मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कैम्ब्रिज की बुक 16 से मैंने टॉपिक्स लिए हैं। कैम्ब्रिज बुक 16 का ये टेस्ट वन है दोस्तों। अब मैं इसके बाद जो है इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर जो है आपके साथ करूंगा, ताकि आपको आइडियाज दे पाऊं। लाइक द फर्स्ट टॉपिक इज पीपल यू स्टडी और वर्क विद। इफ यू आर ए स्टूडेंट देन स्टडी विल बी एप्लीकेबल टू यू, इफ यू आर डूइंग सम जॉब देन वर्क विल बी एप्लीकेबल टू यू। सो लाइक आई एम डूइंग वर्क, सो आई विल बी टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ वर्क नॉट स्टडीज। सो प्लीज, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डू यू स्पेंड मोस्ट टाइम वर्किंग विद एंड वाई। एज आई एम एन आईएलटीएस ट्रेनर, सो आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम विद माई कलीग्स, विद माई टीम मेंबर्स, द पीपल हु टीच आईएलटीएस, द पीपल हु गो फॉर स्टडी वीजा एप्लीकेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट आई स्पेंड माई टाइम विद माई फैमिली, विद माई स्पाउस, माई सन, एज वेल एज विद माई मॉम डैड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट काइंड्स ऑफ थिंग्स डू यू वर्क ऑन विद अदर पीपल। I work with my family members on personal things like cooking food, traveling to places, shopping things, and going for recreation and fun. But on the other hand, as far as my staff members, my colleagues are concerned, so I work with them on study-related topics, on teaching students, making timetables, conducting mock tests. So such are the things on which I work. Next is, are there times when you work better by yourself? I think when I work alone, I work better because I give my maximum concentration to my work. There is nobody to confuse me, to disturb me, to distract me, and I can monomaniacally focus on task at hand. Next question is it important to like the people you work with? I think it's immensely important to appreciate people, your co-workers. Why? Because if you are working with somebody you dislike, you hate, or you don't feel comfortable, I think you are not going to give your 100% in your work. So it is highly important to like, to feel good about the people you work with, about your co-workers. इसके बाद दोस्तों पार्ट टू आपका शुरू होता है, जिसमें एक क्यू कार्ड आपको दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब ए टूरिस्ट अट्रैक्शन यू एंजॉयड विजिटिंग, और हर एक क्यू कार्ड में आपको चार करीब करीब हिंट्स मिलते हैं, फॉलो अप्स मिलते हैं। जैसे पहला है, व्हाट दिस टूरिस्ट अट्रैक्शन इज, व्हेन एंड व्हाई यू विजिटेड इट, व्हाट यू डिड देयर, एंड एक्सप्लेन व्हाई यू एंजॉयड विजिटिंग दिस टूरिस्ट अट्रैक्शन। आपको क्यू कार्ड में करीब 1 मिनट का समय मिलता है अपनी बात को प्रिपेयर करने के लिए। उस दौरान आपको एक नोट पैड और पेंसिल भी मिलती है, आप चाहे तो कुछ मेन मेन चीजें लिख भी सकते हैं, या आप चाहे तो अपने मन में ही उस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप चाहे तो 1 मिनट से पहले, जब भी आप रेडी हो जाएं, उस टॉपिक को आप बोलना शुरू कर सकते हैं। और बोलने के लिए आपको मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम मिलता है। 2 मिनट से पहले भी आप रुक सकते हैं, 2 मिनट तक भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, 2 मिनट के बाद आपको एग्जामिनर खुद ही कह देता है, ओके दैट्स फाइन। तो जैसे मैं अब आपको एक इसका सैंपल आंसर आपके साथ शेयर करता हूं, जैसे आपको इसमें कितना बोलना होता है, कितनी देर आप बोल सकते हैं। तो नाउ आई एम कमिंग इन द वे आई गिव माई स्पीकिंग टू द आईएलटीएस एग्जामिनर्स। डिस्क्राइब अ टूरिस्ट अट्रैक्शन यू एंजॉयड विजिटिंग, व्हाट दिस टूरिस्ट अट्रैक्शन इज, व्हेन एंड व्हाई यू विजिटेड इट, व्हाट यू डिड देयर, एंड एक्सप्लेन व्हाई यू एंजॉयड विजिटिंग दिस टूरिस्ट अट्रैक्शन। हियर आई विल बी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ गोल्डन टेंपल व्हिच इज इन अमृतसर, व्हिच इज ए क्वाइट पॉपुलर एग्जांपल। सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड माय पॉइंट इन अ वेरी हेल्दी वे। सो आई एम नॉट टेकिंग 1 मिनट टाइम टू प्रिपेयर, आई एम शेयरिंग माय आइडियाज ऑन दिस टॉपिक।
आई लव ट्रेवलिंग टू न्यू प्लेसेस. ट्रेवलिंग मेक्स मी फील हैप्पियर, स्ट्रॉन्गर, रिचर, क्रिएटिव. समटाइम्स आई फाइंड लाइक आई एम स्ट्रेस्ड आउट एंड आई एम फटीग्ड जस्ट बिकॉज ऑफ माई हैक्टिक स्केड्यूल. सो इन दो सिचुएशंस आई लव टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, समटाइम्स रिलीजियस प्लेसेस, समटाइम्स एडवेंचरस प्लेसेस. Here in this cue card, I would love to speak about a tourist attraction where I went 1 month back. It is the famous Golden Temple, which is situated in Amritsar, Punjab. This Golden Temple is the symbol of peace, unity among people, among human beings. It is really a sacred place. Whenever I go there, I find like I am at peace. I have all my doubts, all my mental fights, they have come to an end. Now, if I speak about when and why I visited it, there are multiple reasons I visit Golden Temple, Amritsar, Punjab. One is because of spiritual or religious reasons. I love to go to this place to feel like I'm closer to the creator, I'm closer to the power who created me. Apart from that, when I go there, I enjoy the atmosphere, the serenity, the purity, the peace, the silence of that place. I love going to the Golden Temple at 4 o'clock in the morning when there is an absolute peace. And if I speak about what I did there, obviously I spent time there. I sat in that particular ambience to feel myself, to meditate in that environment. And finally, if I share the reason why I enjoyed visiting this tourist attraction is because this tourist attraction is not only a tourist attraction, but a place to heal human beings. Whenever I go there, I go there with lots of things in my mind, but when I come back during my return journey, I find I have unraveled myself, I have simplified myself, and I have recharged my battery for another few months. So this is what I feel about my tourist attraction experience that I enjoyed few months ago. इस तरह से आप अपने क्यू कार्ड में अपनी बात को रख सकते हैं. क्यू कार्ड के बाद आपके पास आता है पार्ट 3. पार्ट 3 में दोस्तों क्या होता है, जिस भी टॉपिक पे आपका क्यू कार्ड था उसी टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं. जैसे यहां मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करूंगा, इसको बोलते हैं फॉलो अप क्वेश्चंस, पार्ट 3 क्वेश्चन. जैसे यहां पर टॉपिक है डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शंस एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन योर कंट्री. सो आई विल गिव द आंसर. इसका आंसर मैं आपके साथ शेयर करता हूं. एज फार एज माई कंट्री इंडिया इज कंसर्न, सो देर आर पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन दिल्ली लाइक रेड फोर्ट और इंडिया गेट. देर आर फ्यू पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन माई होम टाउन कुरुक्षेत्र एज वेल. इट्स पेनोरमा, इट्स कृष्णन म्यूजियम, कल्पना चावला प्लानिटोरियम, द प्लेस ऑफ ज्योतिसर. And apart from that, Jaipur, Rajasthan has also some tourist attractions. Agra, Taj Mahal, it is also a popular tourist attraction. I think these are some of the prominent tourist attractions in my country. Next question is, how do the types of tourist attractions that younger people like to visit compare with those that older people like to visit? यहां पर वो पूछ रहा है यंगर लोग जो हैं जिस तरह की जगह घूमने जाते हैं, ओल्डर लोग जिस तरह की जगह में घूमने जाते हैं, उनमें क्या कंपैरिजन है. ओके, सो हियर इज द आंसर. ओल्डर पीपल आर मोर कंफर्टेबल विद प्लेसेस लाइक स्पिरिचुअल प्लेसेस लाइक गोल्डन टेम्पल इज देयर, वैष्णो देवी टेम्पल इज देयर, हरिद्वार इज देयर. सो सच आर द प्लेसेस विच अट्रैक्ट older people. But on the other hand, younger people are more into adventurous activities like they go for trekking, mountain climbing, river rafting. They go to Manali, Shimla, they go to Rohtang, Kufri, Leh Ladakh, or this Mansuri. So they are more into refreshing themselves,
by doing some adventurous activities, by exploring the world. Whereas the older people are more happy when they sit in silence, when they enjoy their own presence. Next question is, do you agree that some tourist attractions should be free to visit? For example, national museums and galleries. I strongly believe the idea that some of the tourist attractions, at least 4 to 5 attractions must be there in a town or in a city or in a district or in a state where people can freely visit. Like they do not need to think like they will be paying something, only then they will be allowed to enter. They should be free, because national museums, national galleries, they promote the culture, they promote the history, they promote the heritage of that particular locality. So there should be some provision from the government, from the authorities, like there should be no ticket and it should be free. It should be even mandatory for school students, college students to visit such places and to gather the knowledge. ये आपके तीन क्वेश्चन थे दोस्तों डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन पर. उसके बाद फिर से तीन क्वेश्चन आए हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म पर. इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज टूरिज्म इम्पोर्टेंट टू अ कंट्री. एक देश के लिए टूरिज्म क्यों जरूरी है? टूरिज्म इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री फॉर वेरियस रीजंस. व्हाई? बिकॉज टूरिज्म गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी as well as to exchange the culture of that particular country with the tourists, with the travelers. Apart from that, tourism gives employment, tourism helps a country to accumulate more income or making the economy a bigger one. Next question is, what are the benefits to individuals of visiting another country as tourists? जब दूसरे कंट्री में लोग टूरिस्ट बनकर जाते हैं उनको क्या फायदे होते हैं? देर आर मल्टीपल बेनिफिट्स. लाइक वन इज दे इंक्रीज देयर नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर कंट्री. नंबर टू, दे गेट ए न्यू एटीट्यूड ऑफ लिविंग लाइफ. लाइक इफ अ पर्सन फ्रॉम अमेरिका गोज टू अफ्रीका, अफ्रीका हैज अ डिफरेंट क्लाइमेट, अफ्रीका हैज अ डिफरेंट कल्चर. मे बी देर आर नॉट वेरी रिच पीपल इन अफ्रीका, बट ऑल्सो दे आर ब्यूटिफुल, दे आर गुड इन देयर ओन सेंस. So if a person who lives in America, living his life in a different way, so when a tourist goes to another country, he starts looking at life in a very new way. He gets a fresh perspective. And third thing is, he becomes more knowledgeable, more deep as a person. And the last question is, how necessary is it for tourists to learn the language of the country they are visiting? I think if they learn the language of the country they are visiting, it is helpful for them to interact with the natives, with the indigenous people, with the local people. And at the same time, it's not possible to learn a language in a short period of time. So at least the basic dialogues, the basic communication, basic sentences, a person, a tourist can learn, so that he does not find his journey very much difficult. So I think it's good to learn the language where you are going. Like if you are going to Japan, if you know little bit of Japanese, then it is going to help you. But on the other hand, if you know deep Japanese, or you know more, you learn more about Japanese, so obviously it is going to help you. But at least some of the basic things you should know in Japanese if you are going to Japan. तो इस तरह से दोस्तों आपकी आयल्स की स्पीकिंग जो है वो रहती है, और आपको 10 से 12 मिनट बड़े पेशेंस के साथ बैठना है, बड़े अच्छे से बैठना है. कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स शुरू के क्वेश्चंस में बहुत एनर्जी दिखाते हैं, बहुत एक्साइटमेंट दिखाते हैं, क्यू कार्ड और पार्ट 3 तक आते आते बिल्कुल जो है वो डाउन हो जाते हैं, आवाज भी कम कर लेते हैं, फेस एक्सप्रेशन भी अजीब से कर लेते हैं. तो आपको पहले क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक उसी एनर्जी, उसी रिदम के साथ बात करनी है, उसी कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, और सीधे बैठकर बात करनी है, बिल्कुल लेजी पोस्चर में बात नहीं करनी है, आई कॉन्टेक्ट के साथ बात करनी है. मैं तो अभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा सा कैमरे से यू वुड बी लुकिंग मी, जैसे मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ, लेकिन एग्जामिनर से आई कॉन्टेक्ट बनाते हुए बात करनी है, और अपनी बात को बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश करनी है, बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करनी है. तो बहुत ईजिली 7, 7.5 बैंड स्कोर ले सकते हैं. मैंने आयल्स में 7, 7.5 और 8 तीन बैंड स्कोर स्पीकिंग में लिए हैं, जो बहुत बार मैंने यूट्यूब पर शेयर भी किया है.
तो मेरे साथ अभी रितु और यश दो मेरे ऑनलाइन आयल्स स्टूडेंट बने हुए थे। मैं एक बार दोनों से पूछ लेता हूं, क्या आपको जो बात अभी हमने करी है वो क्लियर है? रितु और यश प्लीज आप बता दीजिए, क्या आपको सभी टॉपिक्स जो है समझ आए हैं? यस सर, यस सर, चलिए, बड़ी अच्छी बात है। रितु जी, आपका क्या फीडबैक है? यस सर, चलिए, तो इस बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम में इतने ही क्वेश्चन आपके पास होंगे। इसी तरह से पहले पार्ट वन होगा, पार्ट टू होगा, पार्ट थ्री होगा। तो मैंने इसको रिकॉर्ड भी कर लिया और मैं इसको भी यूट्यूब पर भी शेयर करने लगा हूं। तो आप इसको दो तीन चार पांच बार अगर सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें आप यूं ही सीख जाएंगे। और जब आप सुनेंगे तो आपने ऑब्जर्व करना है कि किस क्वेश्चन को कितना जो है एक्सप्लेन किया गया है, या किस तरह की वोकैब यूज करी गई है, या कॉन्फिडेंटली कैसे बात करी गई है, ताकि उन चीजों को आप भी अपनी स्पीकिंग में जो है यूटिलाइज कर पाए। और यही आप दोनों का आज होमवर्क है, इन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में हम एक इंडिविजुअल स्पीकिंग इन्हीं टॉपिक्स पे आपके साथ रख पाए। तो यश रितु, हम मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू यश, थैंक यू रितु।